हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, तो इमिसिबल जो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहे थे केरोसिन और ऑयल, और यह मिसिबल मीन्स ऐसे मिलाए दोनों कि आपको पता लगाने मुश्किल हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने सोडा पानी में डाल दिया तो आपको मालूम नहीं चलेगा सोडा कौन सा पानी कौन सा है, दोनों एक दूसरे में ट्रांसपेरेंट इतने अच्छे से मिक्स होते हैं मालूम नहीं चलता, बहुत अच्छे से घुल मिल गए। तो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। उनको कैसे सेपरेट करेंगे, तो उनको भी सेपरेट करने का साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाल लिया। तो उसके तरीका क्या है, लैब में आपके है ना ऐसा एक फैसिलिटी होती है जिसमें एक स्टैंड होता है, आपके पास एक स्टोव होता है, एक आपके पास ऐसे डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं उसको, इस टाइप का होता है, ग्लास का ही बनाता है, कांच का ही बनाता है, उसमें ऊपर कॉर्क लगी जाती है, उसमें होल होता है, यू कैन पुट अ थर्मामीटर सो दैट यू कैन मेजर द टेम्परेचर। जब मैं स्टोव ऑन करूंगा तो जो भी ये लिक्विड डाला हमने, देखो मिक्सचर किसका लिया है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, तो वाटर और एसीटोन का एक ही कलर होता है, दोनों को मिक्स करूंगा, मिक्स करने के बाद आपको मालूम नहीं चलेगा कौन सा पार्ट मॉलिक्यूल एसीटोन के कौन से वाटर के, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। अब दोनों को आपको सेपरेट करना है, अब हम देखो इस प्रोसेस से करेंगे, तो वी हैव अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, उस फ्लास्क में से जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ से वेपर बनेंगे, और वेपर कितना टेम्परेचर आ रहा है वो हम मेजर कर रहे हैं इसलिए थर्मामीटर लगाया, वो वेपर कहाँ जाएंगे, डायरेक्शन इधर जा नहीं सकते तो इधर नीचे आएंगे, यहाँ आने के बाद वो थोड़े से एक्सपेंड होंगे, मीन्स उनकी स्पीड थोड़ी कम होगी, जब भी कोई चीज़ एक्सपेंड होती है तो स्पीड कम होती है, उसके बाद वो इसमें से पास होंगे, एंड इस ट्यूब में से, ये भी कांच की ट्यूब है, इस ट्यूब में से जब पास हो रहे हैं तो देखो हमने ट्यूब के बाहर क्या किया हुआ है, पानी का एक ना ब्लैंकेट टाइप का लगाया हुआ है, या एक 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 पानी का जैकेट है, तो इसको बोलते हैं वाटर कंडेंसर, मीन्स इसके अंदर हम क्या करेंगे, नीचे से कोल्ड वाटर देंगे, कोल्ड वाटर घूमता हुआ जाएगा और इसके अंदर जो गैस जा रही है गर्म हवा उसको ठंडा कर देगा, राइट, और जो गर्म पानी है हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो ठंडा पानी डालते जाएंगे गर्म को बाहर निकालते जाएंगे, एज अ रिजल्ट दिस इज वर्किंग लाइक गुड हीट एक्सचेंजर। क्या हीट एक्सचेंजर कर रहा है कि जो हमने यहाँ चीज को गर्म किया उसके जो वेपर आए उसको हम यहाँ कंडेंस कर पा रहे हैं, और जब वो कंडेंस होंगे तो वेपर जो कंडेंस होने के बाद हम इस बीकर में उसको इकट्ठा कर सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि एसीटोन और वाटर में जब मैं इसको हीट करूंगा तो किसके हमको इस बीकर में क्या मिलते हैं, ड्रॉप्स इकट्ठे होते हैं, दैट मीन्स कौन सा लिक्विड हमको यहाँ मिलता है, और यदि हम इन दोनों में वाटर यहाँ रह गया या एसीटोन यहाँ रह गया और एक चीज़ यहाँ आ गई, तो देन वी कैन से वी आर एबल टू सेपरेट दैम, और इज इट पॉसिबल, एंड इफ इट इज पॉसिबल वाई इट इज पॉसिबल, क्यों कर सकते हैं, तो लेट्स हीट इट। हमने इसको हीट किया, वेपर बनना हुआ, ये बॉयल होना शुरू हुआ, मिक्सचर बॉयल होना शुरू हुआ तो इसके वेपर बने, वेपर बने तो ऊपर जाएंगे, एंड ऊपर जाके यहाँ कंडेंस होंगे, और कंडेंस होके क्या होगा, वो फाइनली यहाँ इकट्ठे होंगे, पर किसके होंगे, तो उसके लिए हमको एसीटोन और वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये हमने पढ़ा था, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलूँ या 100 प्लस 273 केल्विन, कितना 373 केल्विन डिग्री केल्विन पर वाटर बॉयल होने लगता है। चलो अब हम सिंपल डिग्री सेंटीग्रेड बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बॉयल होता है, एंड व्हाट अबाउट एसीटोन, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इज ओनली 56 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मींस जब मैं इसको मिक्सचर को हीट करना शुरू करूंगा तो पहले कौन चीज वेपर बनने शुरू होंगे, पहले एसीटोन, मीन्स 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो एसीटोन बॉयल होने लगेगा, पानी तो अभी बस गुनगुना ही हुआ होगा 56 डिग्री सेंटीग्रेड, आराम से आप हाथ डाल सकते हैं, पर एसीटोन के लिए तो वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तो उसके वेपर क्या बनेंगे, पहले बनेंगे, दैट मीन्स मैं इसको इस तरीके से कंट्रोल हीटिंग करूंगा कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ थर्मोमीटर लगाया, थर्मोमीटर से मुझे मालूम चल जाएगा कि ये 56-57 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो मेरा जो नीचे स्टोव है उसका मैं फ्लेम की लेंथ को कंट्रोल करता रहूँगा, सो दैट मेरे इस मिक्सचर का टेम्परेचर कभी भी जो है 56 से ज़्यादा ना जाए, मैक्सिमम जाए तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, मेरे जो वेपर बनेंगे वो किसके बनेंगे, एसीटोन, और जब वो वेपर यहाँ आएंगे तो कंडेंस होंगे, पानी से ठंडे होंगे, इनडायरेक्ट हीटिंग कूलिंग होगी, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा बीकर में, एसीटोन, तो आफ्टर सम टाइम आई विल फाइंड कि 100% ऑफ द एसीटोन जो है यहाँ आ गया। कैसे मालूम चलेगा 100%, कि यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बनना बंद हो जाएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ जो रह गया इस फ्लास्क के अंदर डिस्टिलेशन फ्लास्क में खाली पानी रह गया और एसीटोन यहाँ आ गया, एंड वाई वी आर एबल टू सेपरेट इट, बिकॉज दोनों चीज़ों का जो भी मिसिबल लिक्विड थे जो ऐसे मिक्स हुए थे हमें मालूम ही नहीं चल रहे थे, वो दोनों का बॉइलिंग का जो टेम्परेचर था वो पॉइंट डिफरेंट था,
और उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, मींस करीब कहते देखो 46-44 डिग्री का डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है टेम्परेचर में, बॉइलिंग पॉइंट में। जब इतना डिफरेंस होता है तो वी यूज दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस, राइट। द मैथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। सो वी हैव डिस्टिल्ड इट, सेपरेट कर दिया। अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट बॉइल्स विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशियंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज में बताना भूल गया, डिकम्पोजिशन मीन्स एसीटोन को जब मैंने गर्म किया तो एसीटोन डिकम्पोज होकर दो अलग अलग चीजें नहीं बन गया, जो भी केमिकली कुछ और बन गया, ऐसा नहीं हुआ। पानी के मॉलिक्यूल पानी के रहे, एसीटोन के मॉलिक्यूल एसीटोन के रहे। तो ये हमारा जो मिक्सचर था, एसीटोन पानी से रिएक्ट नहीं किया था, एसीटोन एसीटोन फॉर्म में था, पानी पानी फॉर्म में था, पर हमको देखने में मालूम नहीं चल रहा था। दैट मीन्स इट वॉज मिसिबल लिक्विड। और जब वो डिकम्पोज भी नहीं होता गर्म करने पर, वो सीधा सीधा वेपर बनता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और सफिशियंट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मीन्स इतना डिफरेंस होता है, यदि दो लिक्विड के अंदर बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस थोड़ा यदि कम होता है, इफ इट इज लेस देन 25 डिग्री या 25 के केल्विन में बोलूँ या डिग्री बोलूँ, डिफरेंस तो उतना ही रहना, ठीक है। यदि 25 डिग्री केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड का इन दोनों में डिफरेंस होता तो हम ये डिस्टिलेशन प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर दें। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिंपल डिस्टिलेशन और इसमें डिस्टिलेशन में क्या फर्क है, लेट सी। उसमें हमारा अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंस हुआ था। टेक्निकली वो ये, वी हैव अ स्टोव, वी हैव अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसके वेपर बनेंगे, वो वेपर जाएंगे ऊपर, बट यहाँ देखो हमने कुछ भर दिया। ये क्या है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बेसिकली इसमें हमने बहुत सारी ग्लास की बीट्स डाल दी, गोलियां डाल दी, कंचे डाल दिए कांच के। क्यों डाल दिए, कि जब यहाँ से वेपर बनेगा, ये बॉयल होगा और वेपर आएंगे, वो वेपर आएंगे तो इसमें कंचों के आसपास से होते हुए जाएंगे। कंचे हमारे क्या हैं, ठंडे। जब ठंडे होंगे तो क्या होगा, तो जो गर्म चीज़ होगी वो ठंडी होगी, अपनी हीट लॉस कर रहे हैं। दैट मीन्स जो जिसका, क्योंकि जब मैं गर्म कर रहा होता हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या बोला, यहाँ पे दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है। दैट मीन्स यदि मैं बॉइल करते समय थोड़ा सा कंट्रोल वे में मैंने बॉइलिंग नहीं की, तो जो भी मेरा मिक्सचर है दो चीज़ का बना हुआ, कोई भी दो चीज़ हैं, तो देर इज़ अ प्रॉबेबिलिटी कि दोनों के वेपर जो है ऊपर जाएँ एक साथ। अब उन दोनों के वेपर को मेरे को सेपरेट करना है, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कूलिंग का फैसिलिटी दे दिया, मैं कूल करने की कोशिश कर रहा हूँ इनडायरेक्टली। तब वो यहाँ सरफेस से टकराएगा तो एनर्जी लूज करेगा। जब आप कोई दो चीज़ टकराते हैं तो एनर्जी लॉस होता ही नहीं होता। सेम वे में वेपर मॉलिक्यूल्स जब यहाँ बॉल से टकराएंगे तो उसमें क्या होगा, एनर्जी लूज करेंगे। एनर्जी लूज करेंगे मीन्स ठंडे होंगे। तो पहली चीज़ क्या ठंडी होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए वेपर बनने के लिए, वही तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, राइट। जब वो लूज करेगा तो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो वो वापस इसमें लिक्विड में गिर जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मीन्स थोड़ी सी हीट में ही वेपर बन जाता है, वो क्या होगा, बेशक एनर्जी वो भी लूज करेगा, पर सफिशियंट यहाँ पे हीट होगी कि अभी वो इतना, अभी भी इतना गर्म है कि वो इसमें ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाके फिर एक सेम प्रोसेस होगा, इसमें पास होगा या लिक्विडिफाइड होगा, एंड वी विल गेट द प्योर कंपोनेंट। तो दिस प्रोसेस कॉल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है, यदि आप देखोगे तो दुनिया में हम बहुत जगह यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। कच्चे तेल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना मीन्स कच्चे तेल से, जो कच्चा तेल जमीन से निकलता है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं वो चीज़ें जो कि बिल्कुल ऑयल के अंदर प्रॉपरली मिक्स हैं। दैट मीन्स इतनी तरीके ऐसे मिक्स हैं कि हम उसको देख आंखों से देख नहीं सकते, या उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मिसिबल लिक्विड्स हैं। अब क्या क्या चीज़ देखो, क्रूड कच्चे तेल के अंदर क्या क्या होता है, जो शिप को चलाने के लिए फ्यूल ऑयल बोलते हैं वो होता है, प्लेन को चलाने के लिए स्पेशल पेट्रोल होता है उसको पैराफिन बोलते हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए, कार के लिए गैसोलीन बोलते हैं, हमारे देश में पेट्रोल बोलते हैं वो होता है, राइट। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, LPG गैस निकलती है, नैप्थलीन होता है, डीजल होता है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, तेल जो हम बहुत लुब्रिकेशन में यूज़ करते हैं, और एक होता है तारकोल जिससे रोड बनते हैं। तो मीन सेम क्रूड ऑयल से इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं। तो कैसे सेपरेट होती हैं, तो हम क्या करते हैं, कच्चा तेल लाते हैं, उसको गर्म करते हैं एक फर्नेस के अंदर। जब उसका टेम्परेचर अराउंड 350 डिग्री के अराउंड होता है, तो उसको हम इस वर्टिकल कॉलम में पुश करते हैं, कहाँ से, बॉटम से।
तब आप देखो कि होता क्या है कि करीब 350 डिग्री सेंटीग्रेड से जो चीज गर्म है बीस वो तो, और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट, अब इन देखो कि ये जो सारे प्रोडक्ट है, पेट्रोल हुआ, आपने देखा ना पेट्रोल जैसे ही आप गाड़ी से बाहर निकालो या अपने हाथ पे पेट्रोल रखो तो एकदम उड़ जाता है वो, राइट। जमीन पे डालो तो कुछ सेकंड में उड़ जाएगा वो। उड़ जाएगा मतलब क्या होगा, उसका द बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर भी क्या होता है, वो गैस, पेट्रोल लिक्विड से क्या होता है, गैस बन जाता है, अब वो ब्रेड हो जाता है। दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस एंड इट इज अराउंड 25 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड में 100% पेट्रोल उड़ जाएगा। आपके हाथ पे रखोगे तो थोड़ा जल्दी उड़ता है क्योंकि आपके बॉडी में इस हीट है, राइट। उतनी हीट बहुत है गैसोलीन को लिक्विड से गैस बनाने में, वेयर एज एलपीजी गैस जो घर के अंदर होती है उसको तो लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए आपके जो सिलेंडर में गैस भर के आती है लिक्विड में, एलपीजी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे ही आप टॉप नॉब खोलते हो तो क्या होती है, ये चारों तरफ तो हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है एटमोसफेयर का, गर्मी में तो आजकल हमारे देश में इट इज़ गोइंग एज हाई एज 50-52 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स इट इज सफिशियंट टू वेपराइज द लिक्विड इन 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 दिस सिलेंडर, क्योंकि लेस देन इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है। तो आप देखोगे टॉप से यदि मैं चलता हूँ तो एलपीजी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, उसके बाद गैसोलीन, उससे नीचे नेप्थलीन, फिर पैराफिन, फिर डीजल, फिर फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और सबसे बॉटम में बिटुमेन, दैट इज कारकोल। दैट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट इज हाइएस्ट, इसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए बॉइल होने के लिए। जैसे ही हल्का सा ठंडा होता है तो ये तो तारकोल नीचे रह जाता है, और जो चीज़ें अभी भी वेपर फॉर्म में वो ऊपर उठती रहती हैं, और जैसे वो ऊपर उठती हैं तो वो उनको हम अलग अलग निकालते रहते हैं, राइट। इस तरीके से हम सेपरेट कर लेते हैं। अब मैं राइट में जो आपको डायग्राम दिख रहा है तो सेम चीज़ है जो मैं यहाँ टेम्परेचर दिखाया हूँ, एक्जैक्टली सेम चीज़ को हमने यहाँ दिखाया। अब अंदर से दिखा रहे हैं कि ये जो कॉलम वर्टिकल कॉलम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो यहाँ से क्रूड ऑयल आया, अब देखो क्रूड ऑयल ऐसे आएगा, अब वो क्या करता है, हम उसको क्या करते हैं, उसके हॉट फॉर्म में है तो जो भारी चीज़ें होंगी वो टकराएंगी इधर, तो वो यहाँ जो सरफेस से टकराएंगी तो लिक्विड बनेंगी, हीट लॉस करेंगे, हीट लॉस करेंगे तो इस जगह इकट्ठी होंगे, ऐसे इधर वाले में भी, इस साइड में भी गिरेंगे, बीच में भी गिरेंगे, और ये सब इंटरकनेक्टेड है, राइट। और ये यहाँ से आके यहाँ गिर गया, सेम वे में जब यहाँ आया जो कुछ नीचे गया वो आया। दैट मीन्स जो सबसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, जिसको हीट मतलब लिक्विड में रहने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, वो चीज़ तो नीचे रह जाएगी, दैट मीन्स बिटुमेन। उससे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो हीट अपना लॉस करके वो यहाँ इकट्ठा होगा, वो यहाँ पे आ गया सेकेंड में, उससे जो हल्की चीज़ होगी वो और ऊपर जाएगी। दैट मीन हल्की मीन्स जिसका वेपर फॉर्म में है अभी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, मीन्स जरा सी हीट लूज कर रहा है, तो हर चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, टकराती जा रही है और हीट लूज करती जा रही है। हीट लूज कर रही मीन्स ठंडी होती जा रही है, और वो ठंडी होती जाएगी, धीरे धीरे ऊपर जाती जाएगी, और डिफरेंट लेवल में हम उसको इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे दो चैम्बर से यहाँ से निकली यहाँ टकराई, फिर यहाँ से निकली यहाँ टकराई, दोनों का इकट्ठा होकर कंबाइंड होकर यहाँ आ गया। तो इस टाइप से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में जाओगे तो यू विल फाइंड अ वर्टिकल कॉलम एंड दैट कॉलम इज कॉल्ड, उस कॉलम में क्या रहता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है क्रूड ऑयल से ये सारी चीज़ें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ, क्लियर हो गया। और ये सारे लिक्विड क्या थे, सब कुछ क्या थे, जो कच्चा तेल था, क्रूड ऑयल था, उसमें ये सारी चीज़ें जो हमने निकाली, इतनी 5-6 चीज़ें, वो सब इसमें मिक्स थी, इस तरीके से मिक्स थी कि देवर इम मिसिबल थी, मिसिबल थी मीन्स हमको सेपरेट नहीं कर सकते, राइट।